हर हर महादेव। वीडियो बन रहा है? वो पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करने आए हैं। हम लोग मुंबई फिल्म एकेडमी में आज रिहर्सल करने आए हैं, लेकिन एकेडमी का नहीं, अपने अवार्ड शो का, ग्रीन सिनेमा हो जी, ग्रीन सिनेमा अवार्ड का आज हम लोग पहला दिन है जो कि रिहर्सल कर रहे हैं। ये हमारे मास्टर जी हैं जो सबको नचाने वाले हैं बहुत बहुत। आप सुमित मास्टर जी इधर देखिए, आज ग्रीन सिनेमा का रिहर्सल स्टार्ट हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां हुई है आज सुबह से अभी तक? आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं, और सबसे पहले अमरीश जी और राधा जी से शुरुआत हुआ, उसके बाद सुमित जी, प्रीति जी, रवि जी एंड त्रिशा जी। सो इस बार तैयारी तो मतलब फुल जोरों शोर से है। कैसा लगा अमरीश जी? बहुत ही अद्भुत रहा और बहुत मजा आया, क्योंकि प्रसून जी मेरे फेवरेट कोरियोग्राफर हैं और मुझे इनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। आई होप कि अवार्ड में भी खूब धमाल होगा, और जिस हिसाब से इन्होंने आज स्टेप और पहला दिन रिहर्सल करा है तो मुझे लग रहा है जीवन भर मैं भूलूंगा नहीं और कहीं भी इसको गाने पे नाच सकता। वैसे भी आप किसी को भूलते नहीं हमेशा? नहीं, मैं भूलने वाली एक्चुअली मैं भूलने वाला एक इंसिडेंट भी हुआ ना, कि लिफ्ट कुछ तो था जो थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ तो भूल नहीं सकते। कैसा लग रहा अभी आज रिहर्सल में? सलाम नमस्ते, मैं रवि यादव और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार है। आज 13 फरवरी को ग्रीन सिनेमा अपलोड होने वाला है, जिसकी रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं। हमारे मास्टर जी हैं प्रसून यादव जी, चूंकि ये मेरा पहला अवार्ड शो है तो मैं पहली बार परफॉर्म करूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कोरियोग्राफी किया है सर ने, तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप लोग की हिम्मत है, तो थैंक यू सो मच। प्रीति खाने के लिए मिला आजकल? नहीं लग रहा, खाने के नहीं मिला, पहले से बहुत पतली हो गई। आज एक्चुअली मुझे रोज नहीं मिला, रोज मेरा ना रखा हुआ। कैसा ग्रीन सिनेमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ग्रीन सिनेमा अवार्ड मेरा पहला परफॉर्मेंस है, तो बहुत एक्साइटेड हूं, और प्रोसेस अभी हम लोग को कोरियोग्राफ करने का अभी बात हुआ नहीं है। बेलू जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। बेल पका है अभी नहीं पका है? अभी बचा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूंगा कि आज जो रिहर्सल शुरू हुआ है, मैं सारे कलाकारों को हौसला अफजाई करने के लिए आज यहाँ आया हूँ। हौसला बढ़ाना मेरा फर्ज है, हमारे छोटे भाई कोरियोग्राफर प्रसून यादव, इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं और कम समय में इनको बेहतर परफॉर्मेंस देनी है मंच पे, तो मैं आज सोचा कि इनका हौसला अफजाई करूँ और इन्हें एक बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए एक उत्साहित। ग्रीन सिनेमा अवार्ड 4 साल हो चुके, 5वां साल में ये, क्या सुना है आपके इसके बारे में कुछ पहले से अभी से? ग्रीन सिनेमा अवार्ड के साथ मेरा एक बहुत बड़ा एक खास मामला ये है कि मैं इसके पहले साल से जुड़ा हूँ, जब ग्रीन सिनेमा अवार्ड पहली बार, मतलब आपके पुराने संबंध हैं? यस, काफी पुराने अब गहरे में, तो मैं काफी करीब से देख रहा हूँ और डे बाई डे काफी ग्रो कर रहे हैं। पहले काफी चीजें बड़े मैंने जो कमियां थी वो धीरे 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 पूर्ति हो रही है, और इसका एक बेहतर स्वरूप लोगों के सामने नजर आ रहा है, और काफी सारे लोग पूरी इंडस्ट्री जुड़ रही है और बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी इनको सपोर्ट करता हूँ शुरू से और बिल्ड करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे, कैसी है? नमस्कार, मैं राधा सिंह। कैसा लगा पहले साल एंट्री मारते ही पहला बार अवार्ड सोना परफॉर्म कर रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली सबके सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे देखने के लिए इस शो को, सर के साथ मैं मतलब वर्क कर रही हूँ, उन्होंने सिखाया, आज फर्स्ट डे और फर्स्ट कास्टिंग, मतलब कि मुझे ही डांस करवा जा रहा है स्टार्टिंग से, तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बट जोश भरा हुआ है और रॉक करेंगे शो में। सुमित कैसे हो? कैसा लगता है गीत लिखने के बाद, संगीत बनाने के बाद, आजकल फिल्मों में एकदम एक्शन मारते हो, एकदम हीरो बन गए हो, फिर साथ में परफॉर्मेंस भी एक से एक हर अवार्ड शो में नजर आ रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? कहना क्या चाहेंगे, अब हमेशा ये लोग जो कहते हैं हम करते रहते हैं, अब ऐसा कुछ लोग बोले कुआं में कूदे कूदो का कभी कभी सुमित भी कुछ कह देता है, कूद लेंगे भले से कुआं में पानी नहीं होने से कूद जाओगे, तो इस तरह के अवार्ड शो में लोगों को जो हौसला बढ़ाते हैं हमारे दर्शकों को, दर्शक देखते हैं टेलीविजन पे से या पब्लिकली कभी देखते हैं, कितना मजा आता है जब कॉल आता है भैया आपको देखें टीवी पे? हाँ वो तो मजा आता है, दो तीन फिल्में भी लोग देख ही रहे हैं फिल्मों में, तो अवार्ड शो में तो हम लोग अवार्ड शो पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पहला पहला जब आया था बहुत फोन आया था, अब नहीं आता, अब सब नॉर्मल है। तो इस बार ग्रीन सिनेमा कुछ खास क्या करने वाले हैं? अच्छा ये इसको तो खाने के लिए नहीं मिलता है,
कैसी है तो रोज चाहिए। अलीसा जी कैसी हैं? रोज दे देंगे खरीद के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस इस साल ग्रीन सिनेमा 2023 के लिए आज रोज डे है, किसी को रोज चाहिए देना चाहेंगे? कोई नहीं दिया, बजट किसी के पास नहीं है। कैसे अनिल जी, क्या कुछ तैयारियां की हैं इस बार ग्रीन सिनेमा का? अच्छी तैयारियां चल रही है, आज से शुभारंभ हो चुका है और ग्रीन सिनेमा अवार्ड का ये 5वां सीजन है। बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है, अच्छे परफॉर्मेंस की डिजाइन चल रही है, क्योंकि लोगों को सम्मान के साथ मनोरंजन भी चाहिए, तो उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। सर कैसे हैं? थोड़ा मुस्कुराइए, कुछ कहेंगे? जरूर कहेंगे। ग्रीन सिनेमा के बारे में कुछ कहिए, दो चार लाइन जो आपको। पहली बात, विजय जी को, उनकी टीम को, जितने भी कलाकार साथी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा परफॉर्म करें और ऐसे ही भोजपुरी का नाम रोशन करें। कैसे संजय भाई? मैं अच्छा हूं, कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे ग्रीन सिनेमा के बारे में? सबको विशेष देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर जैसा कि पिछली बार में हम लोग बैट्समैन टीम से जुड़े थे, जितना हम लोग आउटपुट दिए थे, आपने भूषण सर काफी ऊपर किए थे पिछली बार, हम सुभन सब लोग पूरी टीम ने अच्छा काम किया था। इस बार भी अच्छा हम लोग करेंगे, पिछली साल से बेटर करेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट लाएंगे। अमरीश जी आयोजक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा माल दिया, बढ़िया ना जी माल बढ़िया दिया, बोले स्पॉन्सर आ रहे थे। अच्छा बहुत ही अच्छा, लेकिन राधा तो पहले ही ले चुकी है। अच्छा स्पॉन्सर में? हाँ सुमित भी ले चुका पहले माल। अच्छा हम परसों कहीं गए थे, उसने बोला कि तो अवार्ड से पहले बेच चुका है, तो सबको पहले एडवांस इस बार माल मिल गया है। नहीं तो बिल्कुल मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल लूंगा, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ। हाँ कंपनी का बजट ज़्यादा है इस बार ग्रीन सिनेमा अवार्ड का। बिल्कुल सर, जब आप जैसे लोग जुड़े हैं तो बिल्कुल, मतलब इस बार धमाल होगा फिर तो। बिल्कुल धमाल होगा, पैसे के हिसाब से नहीं, अपनी मेहनत के हिसाब से। चलिए धन्यवाद। प्रीति जी कैसी हैं? तो आपको रोज मिलेगा, आधे घंटे के बाद मिलेगा, कोई ना कोई जरूर ले आके देगा। ग्रीन सिनेमा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलूं, बाकी सब अच्छा है। अच्छा अच्छा है। हाँ, अभी ज्यादा बोलने का मन नहीं करना। कोई बात नहीं, अभी खाना खाइए फिर बताइए। और अभी जी कुछ कहें आप? बस मैं तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं विजय पांडे जी का और टीम से, इस अवार्ड शो से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार मुझे चुना कि मैं परफॉर्म कर सकूं। सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। एक बार तीसरा जी से